दोस्तों सलाम आदाब, मैं मोहम्मद अनस आज नगीना में मौजूद हैं जहां असदुद्दीन अवैसी की सभा होने वाली है। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आज के सभा को लेकर। क्या सर जी, किस मुद्दे पर चुनाव होगा इस बार 2022 में? मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे होंगे, वही तो कह रहा हूँ, क्या मुद्दे रहेंगे? भाजपा तो अपने दिखाएगी। कौन सी पार्टी मुद्दों पर लड़ती है मुझे बताओ? भाजपा तो लड़ रही है। कहाँ लड़ रही? कह रही है हम राम मंदिर बना दिए। नहीं नहीं जी, ये संस्था होती है, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, मदरसे बनाना, ये सब संस्थाएं होती है जी। उनकी वो संस्था है मंदिर बनाने की, उन्होंने बना लिए, ये कोई मुद्दे थोड़ा होते हैं। अखिलेश यादव के पास मुद्दे हैं, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या मुद्दे? युवाओं को रोजगार देंगे। युवाओं को ले गए या लुटेरों को भेज देंगे ना? क्या लूट लो इनके, जिनके पास रोजी रोटी है। ये सारे डकैत बैठे लुटेरे हैं। हाँ। ये रोजी रोटी दे रहा है। तो किसको पसंद कर रहे हैं 2022 में? देखो हम तो अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह वालों को पसंद करेंगे। अल्लाह वालों की वजह से कहीं वोट ना कर दिया? वोट फिर वही बात आ गया ना, वोट कट जाए भैया, वोट हमारा है यार, हमारा कार्ड ना रहा है ये। चचा आज तक हमारा ही वोट काटा। किसने काटा? सबने काटा इन्होंने। अच्छा, ये वोट काटना आएगा? बालिस्टर है वो, बालिस्टर ना है वो, तो कहते भी वो मुसलमानों की सिर्फ बात करते हैं। क्यों करते हैं मुसलमान? और नौजवानों कहते हैं भड़काते हैं। संविधान? अच्छा, संविधान नौजवानों कहा जाते हैं भड़काते हैं वैसे साहब? नहीं, वे सच बोलते हैं। अच्छा, इसलिए दो दूसरी पार्टियां हैं, वे उनको लगता है कि ये भड़का रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि ये भड़का रहे हैं, लेकिन वे सच बोलते हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं वे, और हमारे लिए नहीं बल्कि सबका, हिंदुस्तान में हर इंसान के साथ हक की लड़ाई लड़ते हैं वे। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर वो होगा जो आज तक यूपी में नहीं हुआ। हमारी सरकार में हिस्सेदारी होगी और सरकार बनाकर दलितों का, पिछड़ों का, जो SC समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की अगुवाई में उनको हक और इंसाफ दिला जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से क्या होगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ सपा बसपा के उन गुलामों से कि 80 सीटों पर MP का चुनाव लड़ने वाले वो बेईमान बताए कि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की लड़ाई कैसे लड़ रहे थे। 80 सीटों पर गठबंधन लड़कर चुनाव लड़ने वाले प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? जैसे 80 सीटों पर चुनाव लड़कर वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री उसको बनवाएंगे जो हमारी शर्तें मानेगा, जो हमारी बात कहेगा, जो हमारे साथ इंसाफ करेगा, उसको हम साझेदारी करेंगे भाजपा को छोड़कर। कांग्रेस हो, बसपा हो, लोकदल हो, चाहे अपना दल हो, चाहे समाजवादी हो, अगर आप कोई गठबंधन नहीं करता, बाद में भी गठबंधन करेंगे, मगर अपनी शर्तों पर गठबंधन करेंगे। हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई ये कहता है क्या होगा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से, तो 11 सीटें जीती अब है चौटाला ने, जजपा ने, हरियाणा के अंदर सरकार चल रही है। एक और 2 सीट जीतने वाले रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे हैं, 2 सीट की लोकसभा के जीतने वाले अजीत सिंह केंद्र में मंत्री रहे हैं। इस तरीके से छोटे छोटे दल अनुप्रिया पटेल आज सरकार में साझेदारी है। ओम प्रकाश राजभर की 9 सीटों पर लड़कर 4 विधायक वाले लड़ने वाले, उसमें मंत्री तमाम एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, लेकिन उनके कौम उनके साथ है, मुस्लिम आपके साथ है सर? अरे मुस्लिम नहीं, अति दलित अति पिछड़ा हमारे साथ है, अभी देख लेना इस मैदान के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं आप? आपके राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज इस बिजनौर के अंदर JP नड्डा जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली है चैनपुर में, पूरा उन्होंने सरकारी तंत्र अपने कब्जे में कर लिया है। कौवे चल रहे हैं शराब के, 500 का नोट चल रहा है, लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ लोगों को गाड़ी घोड़ा भी नहीं दिया गया, और ये मैदान आपको साफ नजर आएगा भरा हुआ। यहाँ लालची नहीं बल्कि परिवर्तन चाहने वाले लोग आ रहे हैं, वो चाहते हैं परिवर्तन हो। कलमधारियों से और गाड़ी वालों से और व्यापारियों से लोग अब थक चुके हैं, उनके मिशन को समझ चुके हैं। सर क्या लग रहा है, परिवर्तन तो अखिलेश भी करना चाह रहे हैं सर?
अखिलेश का कोई परिवर्तन नहीं है, अखिलेश का परिवर्तन है सिर्फ बीजेपी को जिताना। अखिलेश जी चाहते हैं बीजेपी जीते, उनका कोई और मिशन मकसद नहीं है। अगर अखिलेश जी भाजपा को हराना चाहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तमाम मीडिया तंत्र ये कह रहा है कि बीजेपी को ओवैसी साहब जिताने आए हैं, यानी कि वो वोट काट रहे हैं, अगर समाजवादी का गठबंधन हो जाए तो बीजेपी हार जाएगी, तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ, आपको ये तय करना पड़ेगा आप बीजेपी को हराने आए हैं या बीजेपी को जिताने आए हैं। अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आइए MIM से गठबंधन कीजिए, नहीं तो आप बीजेपी के एजेंट हैं, आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं। आपके साथी राजभर थे ना सर? हमारे साथी नहीं थे। हाँ, तो आपके साथ साझा करते थे। ये वो करे आप भाजपा, हमारे कायत का दिल बड़ा है। आज भी बहुत सारे लोग आएंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे, कल वो भाग जाए इसका कोई ठेकेदार। हमारा कायत का, हमारा दिल इतना बड़ा है, हमारे कायत की इतनी इज्जत, हमारी पार्टी की इतनी इज्जत, हमारी इतनी इज्जत के लोग हमारे साथ फोटो खिंचवा के सपा और बसपा में जाते हैं, चाहे उन्हें दरी बिछाओ अध्यक्ष बनाया जाए, नारे लगाओ अध्यक्ष बिछाया जाए, या पानी पिलाओ अध्यक्ष बनाया जाए, वो उसमें बनने को तैयार है। कम से कम हमारी वजह से उन्हें पत्तों मिल रहा है। मुस्लिम युवा कहा, मुस्लिम युवा देखो तो सब, वो मुस्लिम युवा लगा रहे हैं, देखिए वो मुस्लिम युवा नहीं, वो नारे 500 रुपए पे लगा रहे हैं, एक फोटो खिंचवा ले। अगर वो युवा वाकई में राजनीति में सही है तो उनकी औकात और हैसियत नहीं, वो अपने नेता से समाज के लिए, आवाम के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए दो सवाल कर रहे, कोई सवाल नहीं कर सकते, उनका कोई ऐसा मतलब नहीं है। अब तारी टोपी देखिए, ढोंगी बिल्ले की मैंने किताब पढ़ी थी जब मैं पढ़ता था, ढोंगी बिल्ला, तो वो ढोंगी बिल्ला ढोंग रखकर जो ना शिकार करता था, ऐसे ही ढोंगी बिल्ले जो अफतारी पर और सर पर टोपी रखकर शिकार करने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं। मगर अब ये जो जनता है उन ढोंगी बिल्लों को समझ चुकी है, अब उनके ढोंग में नहीं आने वाली है, अब हक और इंसाफ के साथ बात होगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब सबके नेता है, यही सबके नेता रहेंगे। नजाके साहब तमाम सभाओं में आप रहते, लेकिन ये इल्जाम जो है आप लोग एक दाग सा बना हुआ है कि बी टीम है भाजपा को। देखिए कोई बात नहीं, आने वाला 22 बता देगा कौन बी टीम है, कौन ए टीम है। अब हम इसमें ज्यादा तर्क नहीं करेंगे, जब सूरज निकलता है तो सबको दिखता है और जब रात होती है तो सबको दिखती है। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आने वाले 22 का रिजल्ट बताएगा कि बी टीम कौन है, ए टीम कौन है। बिहार वाला हाल आप करने वाले? बिहार वाला नहीं, बिहार में हम 26% सीट जीते थे 19-5, यहाँ हम 100 पर लड़ रहे हैं, यहाँ 50% सीट जीतेंगे, यानी 100 में से 50 की हिस्सेदारी होगी हमारी, 50 सीट हम जीत करेंगे। आरोप लगता है पूरे सीट पे क्यों नहीं लड़े 403 पर? अरे भाई एक बात सुनिए, क्यों लड़े हम 403 पर, जहाँ हमारा संगठन मजबूत, हमारा वोट बैंक मजबूत, वहाँ लड़ेंगे हम बेवकूफ है? लोग कहते हैं मुसलमानों के एरिया में आप लोग चुनाव लड़ते हैं। अरे यार मुसलमानों के एरिया में चुनाव लड़े तो गुनाह कर रहे हैं हम। तो अगर मुसलमानों के चुनाव हम लड़े, समाजवादी बसपा वाले मत लड़ाओ, मुसलमानों वाले वो अपना यादवों में लड़ा लो, वो अपना उसमें लड़ा लो, उनके गुलाम है मुसलमान, उनके ठेकेदार है, वो ठेकेदारी कर ली उन्होंने मुसलमानों की। यादव मुल्ला मुलायम को अपना नेता मानते हैं? मुल्ला मुलायम कुछ नहीं, देखिए अखिलेश जी ने अपने पिताजी की कितनी बेइज्जती करी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए, ठीक है, और आप कह रहे हो मुल्ला मुलायम, मुल्ला मुलायम नहीं है, उन्होंने फर्जी वाला करा, नकली मुसलमान वाले, ऊपर वाले ने कहा ले तुझे मैं तेरी औलाद से बेइज्जत कराता हूँ, तुझे तेरी औलाद, जन्मदिन मना रहे अखिलेश भाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ना, जन्मदिन इन्होंने तो सैपाई में भी रंडी नचाई थी, जब मुजफ्फरनगर में 50,000 लोग कड़ाके की ठंड में उसके अंदर पड़े थे कैंपों के अंदर, अखिलेश जी नाच देख रहे थे हूँ 20-20 साल की लड़कियों का, 40-40 साल की लड़कियों का, मैं गलत कह गया पहले, और वहाँ वो मुजरा का डांस देख रहे थे, वहाँ मुसलमान वहाँ पड़ा था। तो मेरे भाइयों ये वही नालायक मुसलमान है, ये वही गुलाम मुसलमान है जो कल मुजफ्फरनगर के दंगे पर नहीं बोला था, जो कैंप हमारी माँ बहन और हमारे तमाम 50,000 लोग पड़े थे उन पर नहीं बोला था, मगर अखिलेश के और मुलायम सिंह के पर आज वो केक काट रहा है। मैं उन नाम निहाद नौजवानों से, मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, कभी बाप की कब्र पर जो मरहूम है कब्र पर गए आप? कभी दादा की कब्र पर फाता पढ़ने गए आप? कभी आपने अपने बेटे का भाई का जन्मदिन है आपको याद? कभी आपके दादा परदादा का, दादी का जन्मदिन है याद? नहीं है, क्योंकि वो गुलाम है। मेरे भाइयों मजलिस का कार्यकर्ता कोई गुलाम नहीं, वो हुक्मरान है। संगठन
नहीं, हम इसलिए उतारू कि हमें बीजेपी हरानी है। हमारे मिशन और मकसद में बीजेपी है। बीजेपी हमसे अकेले से नहीं हार रही, बीजेपी हमसे अकेले से नहीं हार रही, बीजेपी हम गठबंधन से हराना चाहते हैं और बीजेपी गठबंधन से ही हारेगी। कमजोर है सर, हम कमजोर नहीं है तो 22 बता देगा। अगर हम कमजोर हैं तो 22 बता देगा कि हम कितने कमजोर हैं। अगर 22 के रिजल्ट के बाद ये सारे ने ना कहे कि ये जन सैलाब कहाँ से आया है, जब नजाकत अली जैसे को जिले की कमान दी गई है तो ये भूचाल है जिले में। ऐसे हजारों लोग जिले के अंदर हैं जो यहाँ दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। कोई मुकालते में ना रहे, बिजनौर के अंदर 8 सीट है, 8 सीट में हम 2 सीट कम से कम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा नजाकत जी ये बताइए, मायावती तो आप बिहार में गठबंधन आपसे कर लेती, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करती, क्या डर? देखिए मैं बता, ये बहन जी का अपना तर्क है कि वो क्यों नहीं कर रही, कैसे कर रही है, पर हम तो एक बात कह रहे हैं, बहन जी गठबंधन करेंगे तो आप बची रहेंगे राजनीति मननी, आपका राजनीतिक बनवास होने वाला है, राजनीति बनवास होने वाला है आपको बहन जी। जी एक बात बताइए, आप किस पार्टी में थे पहले? जी गठबंधन कर रहे हैं डॉक्टर, देखिए डॉक्टर अयूब साहब से बात चल रही है, हमारे प्रदेश नेतृत्व के लोग बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे गठबंधन की बात चल रही है। अगर पांचवा एक मोर्चा और बनने वाला है, आप टेंशन ना लो, ऐसा है वो हमारे बड़े नेताओं का मामला है, खुल के कह रहे हैं वो, कहने दे, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती है जो होती कुछ है और बताई कुछ और जाती है, तो इसलिए आप टेंशन ना ले, एक मोर्चा और बनने वाला है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो जब मोर्चे का ऐलान होगा तो ये सारे सपा बसपा कांग्रेस भाजपा लोक दल वाले नहीं करेंगे, भाई वो मोर्चा कहाँ से बना लेंगे। तो नजाकत अली को सीएम उम्मीदवार माना जाए? नहीं नहीं, मैं तो सेवक हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ, और मैंने कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि कोई भी अपने आप को कमजोर ना समझे। नजाकत अली के नेतृत्व में जिला मजबूत होगा, नजाकत अली इस बात का ऐलान करता है। अगर किसी ने कार्यकर्ता की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो नजाकत अली आंख कालने का काम करेगा, अगर हाथ उठाने की कोशिश करी तो हाथ धड़सलग करने का काम करेगा, क्योंकि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना भी मेरी जिम्मेदारी। सीएम मुख्यमंत्री कौन, वैसी को बनाएंगे? नहीं, सीएम वो हमारे राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। हाँ, हम मुख्यमंत्री नहीं, साझेदारी, हमें साझेदारी चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं चाहता, प्रधानमंत्री तुम बनो, मुख्यमंत्री तुम बनो। सवाल ये है कि जो मोदी सरकार ने 21 साल वाला कानून लाया है उस पे असदुद्दीन अवैसी साहब का विरोध किया, वही मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जो विरोध कर रहे हैं वो तालिबानी है। ऐसा है, इन भाजपा वालों के मुंह पर लगाम तो है नहीं, वो पाकिस्तानी कह दे या तालिबानी कह दे, उन्हें ये भी पता नहीं कि बैरिस्टर साहब पढ़े लिखे हैं। वो कानून जो लाए हैं, बैरिस्टर साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सच कही है, मुख्तार अब्बास नकवी का खुद बयान नहीं है, वो बीजेपी वालों ने दिवाया है कि चल बेटा, जैसे तित्तर पालने वाला शिकारी होता ना और वो तित्तर को अपनी भाषा में बोलता, ऐसे ही भाजपा वालों ने कहा कि चलो मुख्तार जी वो बयान दो जाकर। वो मुख्तार जी का अपना बयान नहीं है, ओवैसी साहब का अपना बयान। नाराजगी ना है, हमारी नाराजगी किसी के साथ ना है, संविधान की संविधान के आधार पे, जो संविधान के आधार पे चलेगा, जो संविधान के आधार पे चलेगा हम उसके साथ हैं। मायावती नहीं चल रही है, बहुत बड़े हैं, मायावती संविधान के आधार पे नहीं चल रही है, कोई कौन चल रही? मायावती जी कहाँ चल रही, पूछ रहा हूँ, कौन सी चल रही है, कौन सी पटली पे चल रही, मुझे पटली बताओ, कौन सी पटली है, कौन सी पटली है वो जिस पर चल रही है? अच्छा राहुल गांधी तो चल रहे हैं। अरे भैया राहुल राहुल गांधी की क्या बात, राहुल गांधी तो चल रहे हैं। अरे भैया राहुल गांधी राहुल गांधी फांसी क्यों आ रही है चाचा? भैया कहाँ है, मुझे दिखाओ तो सही कहाँ है। अरे 300 सीट, अरे मुझे पता नहीं है भाई, अरे ये तो जीतने वाले, आप कह रहे 100 सीटें जीते, वो कह रहे 300 सीटें जीत रहे हैं। हमने 4000 कुर्सी बिछवाई यार, 4000 सीटें है बैठने की, अब वहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ चले जा रहे हैं, मैं क्या कर, राहुल गांधी वो तो संविधान की बात कर रहे हैं ना, राहुल गांधी वो संविधान पढ़ा भाई ना है, जैसे क्या मानता है माना जाता उन्हें, जो बालिस्टर होते हैं वही संविधान लिखते हैं, वही पढ़ते हैं और वही जानते हैं उसको। अच्छा मोदी जी के बारे में क्या रहा है? मोदी जी के बारे में, मोदी जी तो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, अरे मैं बोल रहा हूँ रब कई बहनों भाइयों सबका साथ सबका बस सबका साथ सबका विकास, इसी पर वोट मिल गया उन्हें, विकास कर तो रहे हैं, तो मैं कब मना कर रहा विकास, जो भी हिंदुस्तान में आ जाए विकास ही कर रहा। अच्छा अवैसी साहब और तरीके से विकास करना चाह रहे हैं, क्या इनका तरीका अलग है, ये चाह रहे हैं कि एक का बच्चा मेरा हिंदुस्तान का बालिस्टर बने,
एक बच्चा। हाँ मोदी जी कहते हैं कि मैं मुसलमानों के कारो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। कंप्यूटर मैं कंप्यूटर से जब चलाऊंगा जब बालिस्टर होगा बच्चा जब ऐसे बगैर पढ़े लिखे चला लगा वही बटन दबावागा जब तक कॉलेज नहीं होने के पढ़ाई लिखाई नहीं होने की और मतलब ऐसा है कि बालिस्टर नहीं बनने के या मतलब ऐसा है कि पढ़ करके जब भी तो मतलब ये चलाएंगे तुम्हारा कंप्यूटर सम्पूटर जब ऐसे चला मुलायम यादव बेचारा जाने क्या बोल लिया हमारी समझ में नहीं आ रही इसकी वो तो कभी मोदी को कहते हैं कि तुझे प्रधानमंत्री तू बार बार बने और मंच पा के नुगे भाई प्रधानमंत्री मुझे बनाओ लोकसभा में कही कि मेरी प्रार्थना तेरे साथ है तू 20 साल तक प्रधानमंत्री बनता रहे और यहाँ मंच पा के नुगे भाई मुझे बना दो उनकी तो बात ही समझ में नहीं आती कि वो मोदी को बनाना चाहते हैं या खुद बनना चाहते हैं। अभी देखा तुमने जब योगी जी ने शपथ ली दोनों बाबा बेटे पहुंच गए और कान में मुख्यमंत्री रहते ना रह चुके थे ना इसकी वजह से दोनों तो उप मुख्यमंत्री तो माया भी रही थी अब वो बहुत पुरानी नहीं आ, ममता भी थी क्यों नहीं आई वो तो ने क्यों ने क्यों नहीं बुलाया उन्हें यहाँ की नहीं थी ना वो है यहाँ की नहीं थी ना क्यों वो तो कहीं की भी हो जब दावत तो फिर बंगाली हिंदुस्तान तो है बंगाल फिर और क्या तो ये माया को क्यों नहीं बुलाया कह तो रहा हूँ पुरानी हो गई थी पुरानी जब ऐसा एक लक्षण हार जा तो पुराना ही हो जा तो नया 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 कोई ना रहता हारने के बाद पुराना ही हो जा नया कोई ना रहता। हेलो इन्होंने यो बताओ बात क्या करी थी कान में उसके मोदी के यो बताओ आपको पता होगा अरे भाई आप प्रेस वाले आपसे अच्छा थोड़ा पता आप तो कहीं नहीं उन्होंने क्या देते चले अरे उन्होंने अरे भाई कान में क्या कहा वहाँ तो प्रेस वाले थे बहुत दूर थे हैं बहुत दूर थे कम से कम थोड़ा पता तो चल जाता पता कर लेते उनसे क्या कहा कान में उन्होंने ये कहा था कि इससे बच गई है मेरे बेटे को और मुझे आ जाऊँ माँ को जेल भेज दिए तो हम कुछ ना कहने के अब बकरी मुर्गी चोरी की जेल जाएगी बकरी और मुर्गी चोरी का तो जेल जाएगी अरे यहाँ ये तो कोई भी इल्जाम लगा दो उस पर ये तो ये लिख के दिया था अखिलेश ने कि ये मुकदमे लगा दो इस पर ये मुकदमे लगा दो लिख के दिया था पहले पेपर मुर्गी की बकरी के ये सब लिख के दिया था नुगो अंडे के ना लगे ठीक क्या चीज कह रहे हो अंडे के छोड़ दिया भूल गया अखिलेश लगाना इनको छोड़ दिए क्यों बस मिया सबको देख देख लिया आपके ही देख अच्छा अब ऐसी कब से जानते जानते बहुत दिनों से हैं सुनते हैं बड़े आदमी हैं।